इसे मैं क्लीन करूंगी और उसके बाद हम इसके ऊपर निकालते हैं रंगोली। ए वेट वेट गाइस, ये लड़का ना यही मुझे सिखाएगा कि क्या करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑलमोस्ट 5 वीक्स के बाद मैं आज कैमरा के सामने बैठी हूँ, तो सोचा आज थोड़ा एक व्लॉग बना देते हैं। तो ऐसा था कि 1 महीने से, मतलब न्यू ईयर हुआ और न्यू ईयर के बाद से हमारे फैमिली में एक के बाद एक सब लोग हम बीमार पड़ने लगे। तो काफ़ी हेक्टिक टाइम था, काफ़ी पैनिक हो गए थे हम लोग उस टाइम पे। और सब जगह पे वही था एक्चुअली, हम जिससे भी बात कर रहे थे सब जगह पे पेशेंट्स थे। एक बार मतलब पेशेंट्स होना अलग बात है, बट अगर आपको पहले से कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद अगर आपकी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला सिचुएशन होता है। ये सब सिचुएशन था जो हम लोगों ने घर पे फेस किया था। छोड़ो वो सब निगेटिविटी, आज मुझे थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ मैं, कल से एक्चुअली थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। और आज है मंडे, मतलब आज है रथ सप्तमी। तो इस बार तो मेरा काफ़ी मन था कि कुछ अच्छा सेलिब्रेशन किया जाए, अच्छा हल्दी कुमकुम जो होता है हमारे इसमें वैसे किया जाए, क्योंकि मेरा आई थिंक शादी के बाद से अच्छे से हल्दी कुमकुम हुआ ही नहीं है कभी। एक तो हम लोग पहले मुंबई में थे, वहाँ तो कुछ संक्रांति में ऐसा कुछ होता ही नहीं था वहाँ पर। फिर यहाँ आने के बाद भी एवरी ईयर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है जिसकी वजह से मेरा हल्दी कुमकुम नहीं हो रहा है। जो वाहन होता है वो सब मैंने ला के रख दिया, बट हम लोग मेरा नहीं कर पाए हम लोग यही तबीयत की वजह से। फिर आज मम्मी ने कहा कि आज है रथ सप्तमी, मतलब संक्रांति का आई थिंक ये आज का लास्ट डे होता है। और आज के दिन किया जाता है दूध को उबाल के उसको नीचे गिराया जाता है। तो ये मैं बचपन में देखती थी, मम्मी ऐसे कुछ बनाती थी आंगन में, जहाँ पे हम मोस्टली जहाँ पे तुलसी होती है उस वहाँ पे। मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि साउथ इंडिया में पोंगल होता है, पोंगल के टाइम पे भी सेम होता है, जो एक बर्तन होता है उसके ऊपर कुछ रखते हैं, आई थिंक दूध ही होना चाहिए वो, और उसे गिराते हैं। तो इसके मैं पिक्चर्स मैंने काफ़ी जगह पे देखी थी, इंस्टा पे हो गया। उसके बाद जब भी संक्रांति के बारे में जब हम विश करते हैं तो उस टाइम पर, क्योंकि संक्रांति उसी टाइम पर आती है, सेम डे कोई आई थिंक पोंगल होता है, लोहड़ी उसी टाइम पर होती है। सो इंडिया इतनी मज़ेदार कंट्री है ना कि आपको कल्चर भले ही नाम अलग हो लेकिन कहीं ना कहीं उनके रिचुअल्स कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। और ये मुझे बहुत मज़ा देती है ये बात कि थोड़ा थोड़ा चेंज है लेकिन सब जगह पे कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ की झलक मिल जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बातचीत हुई, आज का दिन अभी स्टार्ट करते हैं। मैंने मुझे बोला है कि कुछ रंगोली निकालते हैं, रंगोली कहा तो मेरा थोड़ा सा फेवरेट एक टॉपिक हो जाता है। तो आज बनानी है मुझे रंगोली। मम्मी ने कहा कि चैरियट बनाना है तुझे रंगोली में। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं पेंसिल से ही निकाल दूँगी, बट फिर अभी सोचती हूँ कि अगर है रंगोली बनाना तो क्यों नहीं रंगोली बनाए। सो रंगोली बनानी है मुझे, चलो फिर मिलते हैं अभी। रंगोली पहले बनाते हैं, चलो। पहले जो था ना ये पूरी जगह सिर्फ रंगोली से भर जाती थी, अभी भी इसमें रंगोली है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं यूज़ होती है, लेकिन पहले मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती थी, मुझे बहुत पसंद थी रंगोली निकालना। चलो हटो जगह दो। तो मेरे पास एक प्लैंक है, काफ़ी बड़ा ये प्लैंक है। इसके पहले मैं छोटा प्लैंक यूज़ करती थी, सो ये अभी थोड़ा बड़ा प्लैंक है। इसे मैं क्लीन करूँगी और उसके बाद हम इसके ऊपर निकालते हैं रंगोली। ए वेट वेट गाइस, ये लड़का ना यही मुझे सिखाएगा कि क्या करना चाहिए।
What are you doing here? अरे बस चलो झालं आता झालं तुझे हात पाय धुवर चाल करत चल जेवण करायचं तुला. चलो 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 डन डन डन. ए दत्त सप्तमी का बरं साजरी जातात सांग बरं. आपण रोज करू शकत नाही तरी वर्षातून एक वेळा तरी केली पाहिजे पूजा. म्हणून रथसप्तमीच्या दिवशी सूर्याची पूजा. सूर्य हा रथात बसतो. त्याला सोन्याचा रथ असतो. त्याला सात घोडे असतात. आणि त्या रथात सूर्यनारायण भ्रमण करत असते. त्या दिवशी म्हणजे पूजेला जास्ती महत्त्व आहे. त्या दिवशी दान धर्म केले पाहिजे. त्या गौऱ्या पेटून त्यावर मातीचं वळकं ठेवावं. त्याच्यानंतर दूध टाकावं. दूध आणि साखर तांदूळ याचा गोड भात शिजवावा आणि तो प्रसाद म्हणून वाटावा. तो मम्मी का ये कहना था मेरा गला अभी भी तो ओके. सूर्यदेव की पूजा हम नहीं करते हैं तो एटलीस्ट एक दिन हम लोगों ने करना चाहिए. और जिसका प्रतीक, क्योंकि सूर्य भगवान अपने सोने के रथ में पूरे ब्रह्मांड में बोलते हैं कि वो घूमते रहते हैं, तो उसका प्रतीक या फिर उसको सिंबॉलिक जो है उसे हमें रंगोली में निकालना होता है. थोड़ी हालत डाउन है बट स्टिल करना है. शायद थोड़ा अच्छा लगे. और एक चीज़, आज हम लोग आज मैंने मम्मी से बात की कि मुझे ठीक तो नहीं लग रहा है, लेकिन आज हमारे यहाँ पे हल्दी कुमकुम, मेरे रिलेटिव के घर पे हल्दी कुमकुम. और आज का लास्ट डे होता है हल्दी कुमकुम का, जो संक्रांति से स्टार्ट होता है, रथ सप्तमी के दिन वो ख़त्म होता है. तो आज मम्मी ने कहा कि अगर तू बाहर आएगी तो तुझे थोड़ा बेटर फील कर पाएगी और सब लोगों के साथ मिलेगी तो शायद अच्छा भी लगेगा. जस्ट ड्रेसअप होते हैं तो वैसे ही थोड़ा अच्छा फील करते हैं. सो आज हम जा रहे हैं मेरे रिलेटिव के घर पे. होपफुली सब वहाँ पे हेल्थ वाइज मुझे अच्छा लगे उन सब से मिलके. तो चलो मिलते हैं फिर थोड़ा टाइम के बाद. तो ये बेसिकली एक मटका है और इसके अंदर है दूध जिसमें उबाल रहा है चावल, हल्दी, और ये इसे अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें जाएगा इलायची और शक्कर. और इससे नीचे आना चाहिए, ये मतलब उबाल के नीचे गिरना चाहिए. अरे उचल ना अश्वन, ते उचल आणि खा. हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो हुआ ऐसा कि मैंने उस दिन रथ सप्तमी के दिन आपसे बात की थी. मैंने सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी, सो क्यों ना हम व्लॉग स्टार्ट कर देते. बहुत टाइम हुआ आप सबसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली मुझे व्लॉग स्टार्ट करना था.
कल आ गई हूँ मेरे घर पे, मतलब फ्लैट पे हम लोग आ गए हैं। तो होता है ना, थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, थोड़ा सा यहाँ आने के बाद थोड़ा अलग फील कर रही हूँ, मतलब थोड़ा अच्छा बेटर फील कर रही हूँ मैं एक्चुअली। लेकिन हाँ, है मुझ में वीकनेस अभी भी। मैंने सिर्फ ऐसे ही जस्ट पीसी अभी ऑन किया कि देखते हैं क्या हाल चाल है अपना, यूट्यूब कहाँ पे है, क्या है ये सब, क्योंकि मैंने कितने टाइम हुआ मैंने ना पीसी को हाथ लगाया था। आई थिंक मैंने कहा ना कि मैं ऑलमोस्ट एक महीने के बाद, क्योंकि जस्ट शुरुआत में जनवरी के जस्ट शुरुआत में मैंने जो व्लॉग किया था वो, और उसके उसी के जस्ट एक दो दिन में ही मैंने संक्रांति के लिए जो मेरा वीडियो था मैंने वो बना के पहले ही रख दिया था। उसके बाद से ही हम लोग फिर एक 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 करके बीमार हुए। वो थैंकफुली वो अच्छा हुआ, मैंने एटलीस्ट वो संक्रांति वाला जो एक वीडियो था और जो रील्स थी मैंने पहले बना के रख दी थी, फिर जब टाइम आया तब मैंने उसे पोस्ट कर दिया एक एक करके। तो वो उसके बाद से, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने, एक सवा डेढ़ महीने के बाद मैं आज मतलब आज ये दो तीन दिन में आपके सामने हूँ। सो आई होप कि मुझे जल्दी से जल्दी मैं बेटर फील कर पाऊँ। पीसी के सामने अभी मैं हार्डली 10-15 मिनट बैठी हूँ। जैसे वो पीसी देख स्क्रीन देख के ना मुझे अभी हेडेक थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अच्छी साइन तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुझे अभी यहाँ से उठना चाहिए और आराम करना चाहिए। तो अभी मैं भी पीसी कर रही हूँ बंद। तो ऐसे मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और ये व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। तो आज मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और ज़्यादा एनर्जी के साथ। बहुत कुछ करना मुझे बाकी है। तो ऐसा है कि हाँ, मुझे करना है क्या मैं बता रही हूँ कि आगे घर पे यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ चेंज करना चाहिए। अभी थोड़ा सा कलर पॉपअप करने की ज़रूरत है, तो क्योंकि वही वही देख के परेशान हो जा, मतलब परेशान नहीं, थोड़ा बोर हो जाते हैं। तो मुझे थोड़ा अभी एनर्जी मुझ में आ जाए तो मैं थोड़ा घर डेकोरेट नहीं कर सकते, रिनोवेट भी नहीं कर सकते, बट हाँ उसमें कुछ थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूँगी। जो हमारा घर है ना, यहाँ पे एक तो दीवारें पूरी वाइट है, मैं वही अभी करने की कोशिश करूँगी। घर जो पूरा वाइट दिख रहा है आपको, उसमें थोड़ा मुझे कलर ऐड करने हैं। थोड़ा सा कुछ अलग अलग कलर्स अगर पॉपअप होते रहते हैं तो वो ब्राइटनेस उसका कम हो जाता है, मुझे वही करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ऑब्वियसली रेंटेड अपार्टमेंट है तो हमें कहीं पे भी नेल नहीं करना है, कहीं पे भी कील वगैरह नहीं करना है। इसीलिए हमें बहुत खुद समझ के मैं प्लान करूँगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और आई थिंक ये वीडियो मैं यहीं पे अभी ख़त्म करती हूँ, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।